हेलो फ्रेंड्स, तो देखो लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में भी पढ़ा था। आज हम देखेंगे किसी एक पर्टिकुलर रीजन से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास करती है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए हम आज पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। तो देखो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ पर्टिकुलर रीजन। तो अब फ्लक्स क्या होता है ये समझते हैं पहले। तो इसके लिए हम हेल्प लेंगे एक एग्जांपल की। जैसे मान लो बाहर हवा चल रही है, हमने देखना है कितनी हवा इस रूम में एंटर करती है। तो वो डिपेंड करेगी हवा कितनी तेज चल रही है, उस हवा की इंटेंसिटी क्या है, और दूसरा वो डिपेंड करेगी जिस खिड़की से वो एंटर कर रही है उसका एरिया क्या है। जैसे अगर यहां पे बनाए तो ये हवा आ गई, ठीक है, कितनी क्लोज है, ये जो लाइन है कितनी क्लोज है वो बताएगी इसकी इंटेंसिटी क्या है, और ये खिड़की है, एक और खिड़की बना दी, ये खिड़की बड़ी है तो यहां से एयर ज्यादा एंटर करेगी, यहां से हवा ज्यादा एंटर करेगी बट यहां से कम एंटर करेगी। तो कितनी हवा यहां पे एंटर करती है, मतलब हवा का फ्लक्स कितना है, फाई से डिनोट करते हैं। तो वो डिपेंड करेगा किस पे, एक इंटेंसिटी हवा की जिसको हम वी से डिनोट करेंगे, वेलोसिटी या फिर, और दूसरा एरिया कितना है इस विंडो का, मतलब ए। तो इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है इस हवा का फ्लक्स। बट एक और चीज देखो, अब मेरी खिड़की जो है, खिड़की इस तरह से थी और हवा इस तरह से एंटर कर रही थी। अगर खिड़की इस तरह से होती तो हवा एंटर कर पाती, तो हवा बिल्कुल भी एंटर नहीं करती। इसका मतलब तो ये तीन चीजों पे डिपेंड करेगी, एक वेलोसिटी कितनी है हवा की, दूसरा विंडो का एरिया कितना है, और तीसरा ये जो एरिया है उसकी डायरेक्शन क्या है, विंडो की डायरेक्शन क्या है या एरिया की डायरेक्शन क्या है। वैसे ही अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी एक पर्टिकुलर रीजन से पास करती है तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है फाई, फाई ई से भी डिनोट करते हैं। तो ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है उस रीजन से, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ज्यादा पास कर रही है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब देखो ऐसा तो होगा नहीं, जैसे हवा के केस में हवा फ्लो कर रही थी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो फ्लो नहीं करती, तो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की हेल्प लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है या रिलेटिव इंटेंसिटी है वो क्या है, जिसको हम ई से लिख रहे हैं। और दूसरा ये जो विंडो थी, अब इस केस में क्या है एक रीजन पर्टिकुलर, उसका एरिया क्या है। बट दूसरे केस में हमने देखा अगर एरिया की डायरेक्शन चेंज हो जाए, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से हैं और हमारा एरिया इस तरह से, तो अब क्या होगा, सीधी सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है इससे कम पास करेंगी। तो ये डिपेंड करता है किस पे, ये डायरेक्शन आ गया एरिया एंगल थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये आ गया ए, तो ये आएगा ई कॉस थीटा। ई कॉस थीटा क्या है, ये यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंपोनेंट है ई कॉस थीटा, और ए पे डिपेंड कर रहा है, तो ई कॉस थीटा इंटू ए, जिसको हम लिखेंगे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब किसी एक पर्टिकुलर रीजन से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है ये डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे और एरिया पे, इनके डॉट प्रोडक्ट पे या फिर एरिया के एंगल पे। अब एक और चीज पे ध्यान देना है कि एरिया तो हमारे पास स्केलर होता है, बट ये वैक्टर कहां से आ गया, तो एरिया वैक्टर देखना पड़ेगा। एरिया वैक्टर जिसको हमने ए वैक्टर से डिनोट किया, ये क्या होता है? देखो बहुत से केसेस है, वैसे तो सिंपली हमारे पास एरिया स्केलर है, तो कुछ ऐसे केसेस आते हैं जहां पे हमें एरिया की डायरेक्शन लेनी पड़ती है। जैसे इसी केस में था, विंडो की डायरेक्शन चेंज करने पे हवा कितनी एंटर कर रही है वो भी चेंज हो रहा था, तो वहां पे हमने क्या करना है, एरिया की डायरेक्शन भी लेनी पड़ती है। तो एरिया वैक्टर हम यूज करते हैं, ये किसके इक्वल होता है, ए इंटू एन कैप। ए आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ दैट एरिया, और एन कैप क्या क्या डायरेक्शन के लिए, जैसे ये हमारे पास विंडो है या ये रीजन है, ठीक है,
इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, तो ये इसका मैग्नीट्यूड जो आया, साथ में हमने क्या करना है, नॉर्मल ड्रा कर देना है। ये नॉर्मल जो है ये डायरेक्शन बताएगा एरिया वेक्टर, तो इसको हम लिखते हैं एन कैप। तो एन कैप क्या है, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ दैट एरिया, तो ये आ गया ए इंटू एन कैप। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था हमारा इसके इक्वल। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये तो आया एक रेगुलर शेप के लिए, अगर हमारे पास शेप ही रेगुलर है, अगर हमारे पास इरेगुलर शेप आती है जैसे मान लो इस तरह से, अब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो इस रीजन से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब देखो हमने क्या करना है, यहां पे एक छोटा सा एरिया ले लेना है, छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लेना है। अच्छा अब देखो ये क्या एंगल बना रहा है वो भी देखना पड़ेगा, यहां पे तो 90 डिग्री बन रहा है। अगर दूसरा केस है, तो ये देखो ये आ गया, यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी और ये एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर, ये ई वेक्टर, ये एंगल थीटा, तो ये आ जाएगा ई कॉस थीटा। अब ये जो एरिया है इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी ए से, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा, फाइव ई, मगर पहले छोटे एलिमेंट के लिए है तो डी फाइव ई, तो ये आ जाएगा किसके इक्वल, ई कॉस थीटा ये इंटू डी ए। तो इसको लिखेंगे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल आ जाएगा, फाइव ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव ई, और ये आ गया ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है थ्रू एनी इरेगुलर शेप आएगा, फाइव ई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर भी लिखते हैं, डी एस भी लिखते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने देख लिया क्या होता है, एक रेगुलर शेप के लिए किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, एक इरेगुलर शेप के लिए किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट्स क्या होते हैं। तो यूनिट्स ऑफ फाइव ई, दूसरा ये किस तरह की क्वांटिटी है, तो हमने देख लिया फाइव ई जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। पहले यूनिट्स देखो, अब यूनिट्स के लिए फाइव ई इक्वल्स टू ई इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल थी, अब देखो पहले लिख लो यहां पे फाइव ई इक्वल्स टू ई इंटू ए। तो ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके यूनिट्स क्या थे, तो एफ बाई क्यू पढ़ा था हमने, तो न्यूटन पर कूलम, और एरिया के मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। अब अगर इसके डाइमेंशंस भी निकालने हैं तो डाइमेंशंस कैसे निकालेंगे, न्यूटन मतलब फोर्स के डाइमेंशंस एम वन एल वन टी माइनस टू, मीटर स्क्वायर तो लेंथ के डाइमेंशन का स्क्वायर कर दो, कूलम चार्ज के डाइमेंशन ए वन टी वन, पावर कितनी माइनस वन, तो क्या डाइमेंशन बने एम वन एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन, चेक कर लो एम वन एल वन टू थ्री आ गया, टी माइनस थ्री ए आ गया माइनस वन। तो ये आ गए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डाइमेंशंस पे। तो हमने इस वीडियो में देखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट का फॉर्मूला क्या है, थ्रू अ रेगुलर सरफेस थ्रू एन इरेगुलर सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के यूनिट्स क्या होते हैं, किस तरह की क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्यों, क्योंकि इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एरिया वेक्टर विच इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद डायमेंशन देखिए, और इसके डायमेंशन आए एम वन एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस वन। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बस इतना ही था, थैंक यू।